हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं घर पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑलरेडी चार्जिंग पे लगा रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 एम्पेयर के सॉकेट में मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्जिंग पे लगा रखा है। तो ये बेसिकली पोर्टेबल चार्जर है जो इसके साथ अवेलेबल होता है, और जब तक आपका जो एथर डॉट का जो चार्जर है वो लगता नहीं है, आपके जो भी लोकेशन है जहाँ पे भी आपका पार्किंग होता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का, वहाँ पे आपको एथर आपको इंस्टॉल करके देगा एथर डॉट का चार्जर। लेकिन जब तक वो चार्जर लगता नहीं, आप पोर्टेबल चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी होती है वो डिटैचेबल नहीं होती है, तो आप इसको घर ले जाके चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको जो भी है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ही इस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि किस टाइप से ये चार्जिंग होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी ये चार्जिंग मोड पे है, लगा हुआ है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि चार्जर डिटेक्टेड। तो अगर आपको राइड करना है तो आपको ये चार्जर हटाना पड़ेगा, और अगर चार्जिंग करनी है तो आपको ये जो इग्निशन है इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो जैसे इसको आप ऑफ़ करेंगे तो ये डायरेक्टली चार्ज होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेंज है अभी 30 किलोमीटर्स का दिखा रहा है, मतलब 39% इसकी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। तो इसकी जो चार्जिंग टाइम की मैं बात करूँ तो 3 hours 35 minutes लगते हैं अगर आप 0 to 80% इसकी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, और कंप्लीट चार्ज करने में 5 hours 45 minutes का लगता है। तो थोड़ा सा जो है चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, लेकिन आपको रेंज भी काफ़ी अच्छी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से मिलती है। इसमें आपको 116 किलोमीटर की रेंज मिलती है अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाते हैं, और ये ARAI सर्टिफाइड रेंज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कैसे करना है। तो ये जो पोर्टेबल चार्जर है ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ही आता है, तो आपको ये जो बूट स्पेस में आपको जो है चार्जर मिल जाता है, तो यहाँ से मैंने इस चार्जर को निकाला है। चार्जर है उसको चार्जिंग सॉकेट, मतलब 5 एम्पेयर या फिर 15 एम्पेयर के आप सॉकेट पे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप से इस चार्जर को लगाया है, और इसके साथ आपको कन्वर्टर मिल जाता है। अगर आपका 5 एम्पेयर का भी सॉकेट है तो आप इसको इस टाइप से लगा सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ जो है ये जो आपको चार्जिंग प्लग मिल जाता है इसको यहाँ पे जो है इंसर्ट करना है यहाँ पे, और इसके बाद आप स्विच को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइट ग्लो करने लग जाएगी। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें जो रेंज दिखा रहा है वो 30 किलोमीटर्स का दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग का सिंबल शो कर रहा है। 66 किलोमीटर्स होने में इसको 2.5 घंटे तक लगेंगे, तो वही 5.5 घंटे तक का इसका कंप्लीट चार्जिंग का टाइम है। एक और ऑप्शन आपके पास चार्जिंग का ये है कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एथर के ग्रिड पॉइंट्स उस पर ले जा सकते हैं, वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। और इसकी जो बैटरी होती है वो कंप्लीट चार्ज हो जाती है 70 मिनट्स, यानी 1 घंटे 10 मिनट में ये बैटरी कंप्लीट चार्ज हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, और ये जो ग्रिड पॉइंट्स है इसमें आपको चार्जिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टिल 31 मार्च 2021। उसके बाद आपको चार्जिंग के लिए पे करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे ग्रिड पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए जा सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको इसका रेंज भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यही सब एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जिंग पॉइंट्स पर एक डिस्कशन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइज़।